हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। नीट स्पेशल में आपका स्वागत है। आज हम नीट स्पेशल में कुछ टर्म के बारे में जानेंगे। ये कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस हैं और जो इम्पोर्टेंट भी हैं, क्वेश्चंस इस पे बने हैं, प्रीवियस ईयर में आप देख सकते हैं। तो पहला टर्म है हमारे पास है कैटाबोलिक प्रोसेस। तो कैटाबोलिक इसका मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स मटेरियल का सिंपलेस्ट मटेरियल में कन्वर्ट होना, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड कंपाउंड का सिंपलेस्ट फूड कंपाउंड में टूटना या बल्की कंपाउंड का सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन कहलाता है कैटाबोलिज या कैटाबोलिक प्रोसेस। तो इसको सीधा सीधा हम कह सकते हैं दिस इज द ब्रेकिंग प्रोसेस। तो टूटना कहलाता है कैटाबोलिज। तो कैटाबोलिक प्रोसेस का एग्जाम्पल होता है डाइजेशन। डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स फूड कंपाउंड सिंपलेस्ट और एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं कैटाबोलिक प्रोसेस। दूसरा टर्म हमारे पास है एनाबोलिक प्रोसेस। एनाबोलिक प्रोसेस या एनाबोलिज्म इसका मतलब होता है दिस इज द मेकिंग प्रोसेस। मेकिंग प्रोसेस मतलब बनना, कहने मतलब कोई छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स मिल करके जब बल्कि बनता है इसको कहते हैं एनाबोलिक प्रोसेस। जैसा कि हम फोटोसिंथेसिस में देख सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस में हम देखते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है ना, लाइट की प्रेजेंस में है ना C6H12O6 मतलब ग्लूकोज बना लेता है। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है एज कंपेयर टू वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे दो छोटे छोटे कंपाउंड मिलकर के बल्की कंपाउंड बना रहे हैं, इसलिए इसको कहेंगे एनाबोलिक प्रोसेस। तो इसका उदाहरण फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास है ना एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडीज्म किसे कहेंगे जिसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों होता, ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी का उदाहरण आप दे सकते हैं रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन एक एंटीबॉडी प्रोसेस होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ना अनअवॉइडेबल इवेल्स, या हम इसको कह सकते हैं नेसेसरी इविल्स। तो अनअवॉइडेबल इविल है ना, ये टर्म यूज किया था स्टेवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने, स्टेवर्ड नाम के साइंटिस्ट ने। और अननेसेसरी इविल्स एक कर्टिस नाम के साइंटिस्ट ने यूज किया था। तो कर्टिस ने नेसेसरी इविल्स कहा था और स्टेवर्ड ने अनअवॉइडेबल इविल्स कहा था। इविल्स मतलब बुराई, तो नेसेसरी इविल्स मतलब ऐसा प्रोसेस जो एक बुराई भी है लेकिन उस बुराई का होना भी आवश्यक है, जैसे ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन को हम कहते हैं नेसेसरी इविल्स या अनअवॉइडेबल इविल्स, या होना भी प्लांट में जरूरी होता है और ये एक तरह का इविल्स। इसको इविल्स क्यों कहते हैं, बुराई इसमें क्या है, इसमें ट्रांसपिरेशन के दौरान वाटर का लॉस होता है तो ये इसकी बुराई है, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट होते समय उसके साथ मिनरल का भी ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द बॉडी, ये इसमें अच्छाई है, इसलिए इसका होना नेसेसरी है। नेक्स्ट टर्म होता है वेस्टफुल प्रोसेस। तो वेस्टफुल प्रोसेस अगर हम इसकी बात करते हैं, पांचवा टर्म हमारे पास वेस्टफुल प्रोसेस। जैसे फोटोरिस्पायरेशन, तो फोटोरिस्पायरेशन एक वेस्टफुल प्रोसेस है, ये आपको फोटोसिंथेसिस चैप्टर में मिल जाएगा। इसको हम C2 साइकिल भी कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द C2 साइकिल। तो फोटोरिस्पायरेशन ये वेस्टफुल प्रोसेस क्यों है, इसलिए कहा जाता है फोटोरिस्पायरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बट एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसा कि हम जानते हैं जिस भी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा वहां पे एनर्जी बनेगी। जैसे हम क्रेब साइकिल में देखते हैं है ना, क्रेब साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है और साथ ही साथ एनर्जी बनता है ना NADH2 के फॉर्म में या FADH2 के फॉर्म में। लेकिन ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता है बट एनर्जी का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसके लिए हम कह सकते हैं बिकॉज है ना, बिकॉज क्यों ऐसा, बिकॉज क्योंकि CO2 रिलीज्ड है ना, रिलीज्ड बट एनर्जी नॉट फॉर्म, बट एनर्जी नॉट फॉर्म। यहाँ पर एनर्जी नहीं बनता है जबकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इसलिए इसको कहा जाता है वेस्टफुल प्रोसेस।
तो फोटो रिस्पायरेशन स्पेशली तीन ऑर्गेनेल्स के अंदर होता है, आप याद कर सकते हैं PCM, पी मतलब पेरोक्सिसोम, सी मतलब क्लोरोप्लास्ट और एम मतलब माइटोकांड्रिया। तो आप कह सकते हैं पेरोक्सिसोम, पेरोक्सिसोम, दूसरा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और तीसरा होता है माइटोकांड्रिया। तो ये वेस्टफुल प्रोसेस या फोटोरिस्पायरेशन इन तीन ऑर्गेनेल्स में होता है, पेरोक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है फास्फोरिलेशन। तो फास्फोरिलेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। तो एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी, दिस इज कॉल्ड एज द एनर्जी करेंसी। जैसा कि हम जानते हैं क्रेब्स साइकिल के समय, क्रेब्स साइकिल जब चलता है तो बहुत सारे NADH2 बनता है, NADH2 या क्लोरोप्लास्ट में NADPH2 बनता है। तो NADH2 से ATP का बनना, NADH2 से ATP का बनना, this is called as the phosphorylation। तो सीधा-सीधा हम कह सकते हैं synthesis of ATP is called as the phosphorylation। तो phosphorylation दो तरह का हो सकता है। अच्छा, ये ATP का formation दो जगहों पे हो सकता है, एक तो माइटोकांड्रिया, दूसरा क्लोरोप्लास्ट। तो इसी तरह से दो तरह का हो सकता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन एंड फोटोफास्फोरिलेशन। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन ये माइटोकांड्रिया के अंदर होता है और फास्फोरिलेशन ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन चीज क्या है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया में दोनों जगह पे एनर्जी बनता है, लेकिन माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं और क्लोरोप्लास्ट को पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं कहते हैं। ऐसा इसलिए एनर्जी, जबकि दोनों जगह बन रहा है, ऐसा इसलिए क्योंकि माइटोकांड्रिया में जो एनर्जी बनता है वो उस एनर्जी को माइटोकांड्रिया स्वयं नहीं यूज करता है, इसलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। लेकिन क्लोरोप्लास्ट में जो एनर्जी बनता है वो क्लोरोप्लास्ट बनाने के बाद उस एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में यूटिलाइज कर लेता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्लोरोप्लास्ट को नहीं कहेंगे। तो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन के टाइम पर ना, या माइटोकांड्रिया में जब ATP बनता है तो एक ATP को बनाने के लिए दो हाइड्रोजन आयन की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन अगर यही इसी ATP का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट में होता है तो एक ATP को बनाने के लिए तीन हाइड्रोजन आयन की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में टू हाइड्रोजन आयन आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ATP एंड फोटोफास्फोरिलेशन में, है ना, फोटोफास्फोरिलेशन में 3 हाइड्रोजन आयन रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ 1 ATP। तो आज के वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।